रूस आपस में मिले हुए हैं ये तो सब जानते हैं, लेकिन यूक्रेन पर हमले से पहले चीन ने रूस की तरफ से यूक्रेन पर साइबर अटैक की सुपारी ले ली थी, ये सच्चाई अब जाकर डिकोड हुई है। वो सुपारी जिसके तहत यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट, डिफेंस सिस्टम, बॉर्डर सिक्योरिटी और सरकारी नेटवर्क में घुसपैठ कर बेहद संवेदनशील जानकारियों को चुराना शामिल था, ताकि मैदानी जंग में रूस को न सिर्फ इसका पूरा फायदा मिल सके बल्कि यूक्रेन पर हमले से पहले ही उसकी प्लानिंग की हर एक डिटेल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की टेबल पर हो। और आपको जानकर हैरानी होगी कि चीनी हैकर्स ने अपनी सरकार के इशारे पर इस काम को बखूबी अंजाम दिया। ऐसी कई सूचनाएं इकट्ठी कर रूस के हवाले कर दी, जिनकी बदौलत रूस को यूक्रेन के खिलाफ जंग से पहले एक बेहद तगड़ी व्यूहरचना तैयार करने में पूरी मदद मिली। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी और स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट यानी SBU ने जंग से पहले हुए इस साइबर अटैक को लेकर जो खुलासा किया है वो चौंकाने वाला है। SBU के हवाले से ही ब्रिटेन के अखबार द टाइम्स ने इस सिलसिले में एक रिपोर्ट भी छापी है, जिसमें बताया गया है कि 24 फरवरी को यूक्रेन पर हुए रूसी हमले से आयन पहले चीनी हैकर्स ने यूक्रेन के 600 से ज्यादा वेबसाइट्स को टारगेट किया और साइबर सिक्योरिटी को बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। चीनी हैकर्स ऐसे कई वेबसाइट्स में सेंधमारी करने में कामयाब भी रहे और कई खुफिया सूचनाएं ले उड़े। हैकिंग के तौर तरीके और उसके एग्जीक्यूशन यानी अंजाम देने के ढंग को देखकर भी ये साफ है कि चीन ने इसके लिए न सिर्फ लंबी तैयारी की थी बल्कि अलग अलग यूक्रेनियन वेबसाइट्स की 20 ऐसी कमजोरियों का भी काफी पहले ही पता लगा लिया था, जिनकी बदौलत उसे इस खुफिया मिशन को अंजाम देना था। यूक्रेन पर हमले की रूसी टाइमिंग, हमले से ठीक पहले चीनी प्रीमियर शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग और यूक्रेन पर हुआ चीनी साइबर अटैक, ये सारी चीजें ये बताने के लिए काफी हैं कि दुनिया में रूस के अलावा अगर किसी को यूक्रेन पर होने वाले रूसी हमले की पहले ही जानकारी थी तो वो चीन ही था। दावा तो यहां तक है कि चीन ने रूस से बीजिंग में चल रहे विंटर ओलंपिक्स के खत्म हो जाने के बाद ही हमले की गुजारिश की थी, जिसे रूस ने मान भी लिया और ठीक विंटर ओलंपिक के खत्म होने के 4 दिन बाद यानी 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। यूक्रेन के स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट की माने तो इस हैकिंग के बाद उसे न सिर्फ अपने साइबर नेटवर्क में चीनी हैकर्स के फुटप्रिंट्स नजर आए बल्कि ये भी पता चला कि साइबर अटैक को चीनी फौज यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की साइबर वारफेयर यूनिट की अगुवाई में अंजाम दिया गया। अब आइए कुछ पॉइंटर्स के जरिए यूक्रेन पर हुए इस साइबर अटैक के खुफिया मिशन को समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 1, चीन ने रूस के इशारे पर यूक्रेन पर इस हमले को अंजाम दिया। पॉइंट नंबर 2, हमले की अगुवाई चीनी फौज की साइबर वारफेयर यूनिट ने की। पॉइंट नंबर 3, साइबर अटैक में 600 से ज्यादा वेबसाइट्स को टारगेट किया गया। पॉइंट नंबर 4, न्यूक्लियर पावर, मिलिट्री, बॉर्डर सिक्योरिटी और गवर्नमेंट सेक्टर रहे निशाने पर। पॉइंट नंबर 5, हैकिंग के बाद यूक्रेन को चीनी हैकर्स के फुटप्रिंट्स नजर आए। पॉइंट नंबर 6, इस अटैक का मकसद अपने और रूस के लिए सूचनाएं जुटाना था। यूक्रेन के खुफिया अफसरों ने खुलासा किया है कि उन पर हुए साइबर अटैक्स के लिए जिस तरह के तौर तरीके और टूल्स का इस्तेमाल किया गया वो चीनी फौज की साइबर यूनिट्स का एक ट्रेडमार्क स्टाइल है। यूक्रेन पर ऐसे हमलों की शुरुआत फरवरी के बीच में ही हो गई थी, लेकिन जंग से आयन पहले यानी 23 फरवरी तक आते आते ये हमले अपने पीक पर पहुंच गए। लेकिन ये तो सिर्फ इस कहानी का एक पहलू भर है। दूसरा पहलू यह है कि खुद रूस भी चीनी हैकर्स का शिकार बन चुका है। पश्चिमी देशों के खुफिया अफसरों के हवाले से BBC ने इस सिलसिले में एक रिपोर्ट छापी है, जिसमें कहा गया है कि चीनी हैकर्स ने इस हमले से पहले रूस, बेलारूस और पोलैंड
तीनों देशों को टारगेट किया था। फरवरी के बीच ही इन हमलों की शुरुआत हो गई थी और साइबर सिक्योरिटी यूनिट्स ने अपने सिस्टम में चीनी हैकर्स की गतिविधियां देखी थी। हालांकि जानकारों की माने तो इस पूरी कहानी में एक चौंकाने वाला पहलू ये है कि चीनी हैकर्स का ये हमला ज्यादा पेशेवर नहीं बल्कि नौसिखियेपन से भरा हुआ लगता है, कुछ कुछ ऐसे जैसे उन्हें अपने पकड़े जाने की बिल्कुल भी परवाह न हो। आमतौर पर चीनी हैकर्स ऐसे किसी साइबर हमले के लिए दुनिया भर में मौजूद सर्वर और सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन तीनों देशों को टारगेट करने के लिए इन हैकर्स ने खास तौर पर पश्चिमी देशों के सिस्टम का ही इस्तेमाल किया। उधर चीन ने ऐसे सारे इल्जामों को सिरे से खारिज किया है, लेकिन चीन का कहना है कि पश्चिमी देश और खासकर अमेरिका उस पर साइबर हमले कर रहा है, उसके नेटवर्क की हैकिंग की जा रही है। कुछ जानकारों का दावा है कि रूस, बेलारूस और पोलैंड जैसे देशों पर भी जो साइबर हमले किए गए उन्हें ज्यादा छुपाने की कोशिश नहीं की गई। ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि चीन इलाके में चल रहे तनाव के बीच अपने लिए खुफिया जानकारी जुटाना चाहता था, साथ ही दुनिया को ये मैसेज भी देने की कोशिश कर रहा था कि इसके पीछे उसका नहीं बल्कि पश्चिमी देशों का हाथ है। साइबर सिक्योरिटी शुरू से ही पूरी दुनिया के लिए एक फिक्र की बात रही है। आपको याद होगा कि रूस और यूक्रेन की जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी कंपनियों को रूसी साइबर अटैक को लेकर आगाह किया था। बाइडेन ने कहा था कि जंग के बीच रूस संवेदनशील ठिकानों पर साइबर हमले कर सकता है। उधर बाइडेन के अलावा उनके टॉप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एनी न्यूबर्जर ने उन अमेरिकी कंपनियों पर नाराजगी जताई थी जिन्होंने खुद को साइबर हमले से बचाने की तैयारी नहीं की थी। The point is that he has a capability. He hasn't used it yet, and but it's part of his playbook. And I've warned about the potential for Russian conduct to malicious cyber activity in response to the cost we'd impose with our allies and partners on the world. But look, today my administration has issued new warnings. Given the history of Russia's use of cyber, it's important that we do all we can to prepare and maximize our resilience. Here are some things you can do, whether you're an individual or a company or enterprise. As an individual, patch your systems. Software, hardware is often full of vulnerabilities. If you quickly patch, you've locked your digital doors. Second, use multi-factor authentication instead of merely a password. We use the same password so frequently, or they're so short that they're quickly compromised. बहरहाल, अब इस नए खुलासे के बाद ये तो साफ हो गया है कि इस दौर में जंग सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि वर्चुअल वर्ल्ड में भी बराबर की शिद्दत से लड़ी जा रही है।